हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। क्या गिफ्ट लाई मेरे लिए? ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने कदम पीछे हटाए। हेलो दोस्तों, की हालचाल? सब बढ़िया, उम्मीद है सब मजे में होंगे। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो देखकर हो जाएंगे। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको पापा की प्यारी से परियों की कुछ ऐसे खुराफाती कारनामे दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते अपने दांतों तले उंगलियां दबालेंगे। तो भाई, वीडियो काफ़ी ज़्यादा फनी और मज़ेदार होने वाली है, तो आप इसको पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको हंसने का पूरा गारंटी और जिम्मेदारी हमारी है। तो आइए बिना किसी देरी के आज का ये मज़ेदार वीडियो शुरू करते हैं। भाई, हमारे के परियों के लिए एक टाइम पर टिकटॉक उनकी ज़िंदगी का एकमात्र सार हुआ करती थी, लेकिन फिर एक दिन ऐसी काली रात आई जिसके अंधेरे के साथ साथ टिकटॉक की भी खात्मा हो गई। लेकिन उन लड़कियों के अंदर से अभी भी टिकटॉक का भूत नहीं गया था। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये पापा की प्यारी से परी फेमस होने के लिए वीडियो बना रही थी, लेकिन वीडियो बनाते बनाते लगते कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई कि सीधे पास में पड़े कंप्यूटर को ही उड़ा दिया। अब तो भैया भगवान ही मालिक है इसका। खत्म। आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होने का लोगों पर जैसे जुनून सवार है, जिसके चलते वो कुछ भी कर गुजारने को तैयार रहते हैं। बिजनेस में कुछ तो रात रात फेमस हो जाते हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अजीबोगरीब हरकतों के चलते मजाक बनकर रह जाते हैं और लोग उन पे हंसते हैं। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला यहाँ पर। ये पापा की प्यारी सी परी सांड के सामने मजे लेते हुए वीडियो बन रही थी, तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देख कर आप भी टाके मार मार कर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो की शुरुआत में एक लड़की वीडियो बनाने के लिए सांड के सामने पहले तो खड़ी होकर मुस्कुराते हुए पोज दे रही थी और बाद में डांस करने लग जाती है, लेकिन शायद साढ़ भैया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अगले ही पल उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है कि ये लड़की यहाँ से उल्टा पैर फाकने पर मजबूर हो जाता है। आप भी देखिए। भाई, लड़के लड़कियों के बीच जितने भी महायुद्ध होते हैं ना, वैसे शायद किसी और के बीच होते होंगे। हर छोटी छोटी बातों में झगड़ने लग जाते हैं। अब कुछ ऐसा ही देखने को मिला यहाँ पर। दोनों पार्टियों के बीच महायुद्ध छिड़ गया था। लड़की कही थी, साले ऐसे जगह मारूंगी ना, कभी बाप नहीं बन पाएगा। अब लड़की की इस बात पर जरा आप लड़के की भी जवाब सुन लीजिए, क्योंकि इसका जवाब सुनने के बाद लड़कियों की तो सिट्टी विट्टी गुल हो गई। आप भी सुनिए महाशय जी का प्यारा सा जवाब। लेकिन मैं ऐसी जगह मारूंगा कि तू सीधे मां बन जाएगी। भाई, न्यूज के माध्यम से हम घर बैठे बैठे देश दुनिया की जानकारी सब मिनटों में हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम तक जानकारी पहुंचाने वाली रिपोर्टर को क्या क्या सहना पड़ता है, क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखकर समझ जाना। दरअसल इस रिपोर्टर मोहतरमा लाइव न्यूज देते हुए बारिश का कहर का नजारा दिखा रही थी कि पानी भरने की वजह से वहाँ पर लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, और इस तरफ से ये मैडम जी लाइव न्यूज दे रही थी। लेकिन तभी ब्रिज के अंदर से जाता हुआ एक शख्स मैडम जी की तरफ देखता हुआ घूरता रहता है, जिसे कर मैडम जी पहले था और दिखा कर कहते हैं, भाई तू जा। लेकिन ये इशारा करने के बाद पता नहीं मैडम जी को क्या हो जाता है और ये जोर जोर से हंसने लग जाता है, वो भी लाइव न्यूज पर। देखिए, नवी मुंबई देखिए मोठ्या प्रमाणात पाऊस बरसत आहे। नवी मुंबई के सबवे मध्ये पाणी साचलेले आहे। आपण आजूबा हो नेहरू येथील चली रे मेघा। भाई, लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। दोस्तों, कोई भी चीज़ हो अक्सर मोबाइल टीवी इनमें देखने पर बहुत ही अच्छी लगती है, जबकि उनकी रियलिटी बिल्कुल अलग ही होती है। अब जैसे कि इस वीडियो में देख लीजिए, कार में बैठे हुए मैडम कितनी प्यारी लग रही है और हवा पे हिलते हुए इनके बाल आय हाय हाय कति जहर लग रही है। अब भाई, ये तो गई वीडियो की बात, लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन में कोई कार या फिर और कोई वाहन में बैठा होता है तो उसका हालत कुछ ऐसा होती है, ना कि इस मैडम जी जैसी। देखिए, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं।
वैसे हमारे देश के परियों को स्कूटी के मामले में तो भैया खिताब हासिल है। हर थोड़े दिनों में स्कूटी से रिलेटेड इनकी कोई ना कोई वीडियो सामने आ ही जाती है। अब कुछ इसी तरह का वीडियो सामने आई है। वीडियो में हम देख सकते हैं बहुत सारे वाहन इधर उधर जा रही है, लेकिन वहीं पर जरा एक नजर आगे जाते हुए स्कूटी पर भी डालिए, ये महात्मा बैठी कैसी है। अरे फुट रेस्ट पे पैर रखने के बजाय इन्होंने बिहार का तरह भी पैर रख दिया। अरे भैया स्कूटी पे बैठने का नया कौन सा तरीका है। इसे देख कर तो वीडियो बनाने वाला शख्स भी अपना हंसी नहीं रोक पाई। एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़ के जुड़े में और कुछ भी नहीं होता है, वही उनके लिए असली हीरो होता है। वैसे माँ और बच्चों के प्यार के हर रोज सैकड़ों नए वीडियो देखने को मिल जाती है। कुछ इसी तरह का वीडियो एक ये भी है। देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। वीडियो में दिख रही ये माँ अपने बच्चों को देखते हुए कुछ पैर से हरकत करती है, जिसे देख कर ये प्यार सा बच्चा भी अपने माँ को फॉलो करते हुए बिल्कुल वैसे ही हरकत करने लग जाती है। देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है, देखिए। उसे मार बच्चों के इस तरह का प्यार के लिए एक लाइक तो बनता है। पहले उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखकर आपका मजा आया होगा। अगर हाँ तो सोचिए मत, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो पापा की बड़ी स्कूटी से देखने के लिए। सो थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।